तो बोलो, तुमको बोल रहा हूँ, आज जा रहे हैं तिरुवर बाबा के दर्शन के लिए। कई सालों बाद मौका मिला, लेकिन अभी लग रहा है कि रास्ता भटक गए हैं। अपने दोनों बच्चों के नाम की आज हम पूजा कर रहे हैं तिरुवर बाबा के मंदिर में। कई सालों से प्लानिंग चल रही थी, लेकिन आज आखिरकार मौका मिल ही गया, बुलावा आ गया। कुछ लोग आगे चले गए, हम पीछे रह गए हैं, क्योंकि हमारी मैडम जी थोड़ी सी थकी हुई सी लग रही हैं और ऊपर से हम रास्ता भी भटक गए हैं। शांत वातावरण है एकदम, रास्ते का एकदम प्राकृतिक सौंदर्य बिखरा हुआ है चारों तरफ। अभी थोड़ा सा प्लेन दिख रहा है रास्ता, अभी हम रास्ता भटक गए थे, लेकिन हमारे आगे जो लोग गए हैं उन्होंने ये निशान छोड़ा था, इससे ऐसे निशान रास्ते में छोड़ते हुए जा रहे हो। इससे हमको काफ़ी मदद मिल रही है, अभी पहुंचने वाले हैं, काफ़ी चढ़ाई चढ़ दी है। और ये पहला पड़ाव पार हो गया, पहुंचने वाले हैं, अभी नज़दीकी है, अभी ये बांस का पेड़ जो संरक्षित प्रजाति का है, जिसको वाटर प्रिजर्वेशन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, लोग बरसात के मौसम में इस जगह पर इकट्ठे हुए पानी का प्रयोग भी करते हैं पीने के लिए। ऐसी जगहों पर जंगलों में पानी इकट्ठा हो जाता है तो उसको पीने के लिए उपयोग में लाया जाता है, लेकिन हम अपना पानी साथ में लेकर चल रहे हैं। तो हमारी श्रीमती जी के हाथ में 2 लीटर की पानी की बोतल है, जिसको वो आधा खुद ही ख़त्म कर चुकी हैं। और ये एक और बढ़िया व्यू पॉइंट है, बहुत बढ़िया, सामने पूर्णागिरी माता जी का मंदिर दिख रहा है, पता नहीं मोबाइल में दिख रहा नहीं दिख रहा है, ये पूरा एक बहुत अच्छा व्यू है। ये सामने शारदा नदी, वो टनकपुर जहाँ से हम अभी आए हैं, और ये पूर्णागिरी माता का मंदिर सामने एकदम, काफ़ी हाइट में आ चुके हैं हम एकदम, बहुत ही गहरी खाई है नीचे, अभी लगभग मंदिर के नज़दीक पहुंच चुके हैं। अभी काफ़ी चढ़ाई चढ़ने के बाद प्लेन में चलने में बड़ा पैरों को आराम मिल रहा है, लेकिन बहुत ही रोमांचित और यादगार पल है। थोड़ा थक चुके हैं तो 2 मिनट का
ब्रेक ले लेते हैं। मौसम आज बादल हो रहे हैं, शायद बारिश होने की भी संभावना है। ये टहनी टूट जाएगी।